में पदस्थ कर्मचारी कई सालों से अपने पुत्र और बहू के नाम पर फर्जी हाजिरी भरकर शासन को लाखों रुपए का चूना लगाया। जिला कोरिया के अंतर्गत उद्यान विभाग सोरंगा नर्सिंग में फर्जी हाजिरी का मामला सामने आया है, जहां सालों से माली के पद पर विराजमान रामशरण यादव ने अपने पुत्र एवं बहू के नाम पर अलग अलग जॉब कार्ड बनवाकर वर्ष 2013 से लेकर 11 अगस्त 2020 तक फर्जी हाजिरी भरकर लाखों रुपए का शासन को चूना लगाया है, जिसकी भनक नर्सरी के अधिकांश अधिकारियों को भी है, लेकिन उनके द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। लगता है कि उद्यान विभाग के अधिकारी अपने आंखों पर पट्टी बांध लिए हैं। मिली जानकारी के अनुसार सोरंगा नर्सरी में पदस्थ माली ने अपने पुत्र राम प्रसाद एवं वधु राजवती के नाम पर लगातार फर्जी हाजिरी भरकर, जबकि लोगों को मजबूरी का कार्य नहीं करते थे, वही जांच होना अति आवश्यक है। पदस्थ माली रामशरण ने हमें बताया कि हम पर यह झूठा आरोप लगाया जा रहा है, हमारे पुत्र और वधु के नाम पर कभी कोई हाजिरी नहीं भरी गई। कैसा बगीचा, दूसरी साल अपन स्टैंड कर रहे हैं और वहां पर जो काम हो चुका है और होने के उपरांत बाउंड्री का खाली काम बचा है, तो कम लेबर करना चाहते हैं और इसलिए वो आरोप लगाना चाहते हैं। वहाँ कुछ ग्रामीण कहना है महोदय, कि आपके पुत्र राम प्रसाद के नाम से मास्टर रोल फर्जी तरीके से भरकर आप जमा कर रहे हैं? नहीं, किसी भी कार में आज तक मास्टर रोल आपके पुत्र के नाम से नहीं गया? मेरे नाम से मास्टर रोल कोई भी सरभोका में कहीं भी पुत्र के नाम का मास्टर रोल नहीं। आपके पुत्र क्या नाम है? राम प्रसाद नाम। अच्छा, इन्हीं के ऊपर आरोप है कि आपके द्वारा फर्जी मास्टर रोल के नाम से जारी कर? नहीं, कोई मास्टर रोल नहीं।